हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम है संकेत और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी बाइक डोमिनार 400 यूजी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाइक के प्रोज कॉन्स और मेरा एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है बजाज के सर्विसिंग के साथ और ओवरऑल बाइक के साथ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ये बात है May 31, 2019 की, जब मैंने डोमिनार ख़रीद लिया था। इससे पहले मैंने डोमिनार का टेस्ट राइड नहीं लिया था, तो इसी दिन मैं फ़र्स्ट टाइम डोमिनार पे बैठा और डोमिनार का राइड किया। डोमिनार लेने से पहले मैं पल्सर 220F चलाता था। तो अभी डोमिनार लेके मुझे ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है और मैंने 15,000 किलोमीटर्स क्लॉक किया हुआ है और मैंने बाइक 4 बार सर्विस किया था, जिसमें से 3 फ्री सर्विसेज थे और एक मैंने पेड सर्विस किया था। और डोमिनार का यूज़ मैं लोकल कम्यूट के लिए भी करता हूँ और लॉन्ग राइड्स के लिए भी करता हूँ। तो अभी तक मैंने लॉन्ग राइड किया हुआ है 3000 किलोमीटर्स का, पुणे टू कन्याकुमारी। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। मैं छोटे राइड्स भी करता हूँ अराउंड 200 किलोमीटर्स के रेडियस में, लाइक पुणे टू कोल्हापुर। उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेकआउट कर लेना। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकता हूं कि डोमिनार के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं डोमिनार के प्रोज के साथ। तो पहला पॉइंट ये है कि डोमिनार का पावर। डोमिनार है 373cc इंजन के साथ जो प्रोड्यूस करता है 40 PS का पावर, और जब आप इस बाइक को चलाते हो तो वो पावर रियली आपको महसूस होता है और आप फील कर सकते हो कि आप कितना और तेज़ जा सकते हो। तो इस पावर के साथ आप आराम से हाईवे पे 120-130 के स्पीड पे क्रूजिंग कर सकते हो और आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि अगर किस ओवरटेक करना है तो बाइक में और ज़्यादा पावर है और मैं एक्सेलरेट करके आगे निकल सकता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइक के बारे में, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बाइक के लिए, जो है गियर बॉक्स। डोमिनार आता है 6-speed गियर बॉक्स के साथ विथ स्लीपर क्लच, और मेरे हिसाब से किसी भी बाइक में 6-speed गियर बॉक्स होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 6th गियर है वो आपको हाईवे क्रूजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और वो आपको टॉप स्पीड्स पे भी लेके जा सकता है। और बाइक को 6th गियर में चलाने में आपका फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत कम होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली बजाज बहुत ही इनफेमस है उनके गियर बॉक्स के लिए, क्योंकि बहुत ही लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके बजाज बाइक का गियर बॉक्स बहुत ही घटिया क्वालिटी का है और गियर शिफ्ट ही नहीं होता। पर ऐसा डोमिनार के केस में नहीं है। डोमिनार के केस में ये गियर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का है और बहुत स्मूथ है, तो आप आराम से स्लीपर क्लच यूज़ करके आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हो एकदम स्मूथ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो है डोमिनार का सस्पेंशन। डोमिनार आता है फ्रंट टेलीस्कोपिक USD फोक्स के साथ। USD मतलब अपसाइड डाउन फोक्स, और आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर सुपर बाइक्स में USD फोक्स ही यूज़ होते हैं, क्योंकि उनको यूज़ करने के बाद आपका बाइक का हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। और रियर सस्पेंशन जो है वो मोनोशॉक नाइट्रोक्स सस्पेंशन है, जो आपको राइड स्मूथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मुझे एज अ पर्सनली लगता है कि डोमिनार का सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब भी मैं राइड करता हूँ तो राइड एकदम स्मूथ ही होती है, कभी भी ऐसा झटके नहीं लगते। अगर आप डीप पॉट होल्स को अवॉइड करें तो आपका राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेंशन करना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रो का पॉइंट है, वो है डोमिनार का हेडलाइट। डोमिनार आता है फुल LED हेडलाइट्स के साथ, और ये हेडलाइट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का हेडलाइट है। आपको कोई और एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये एकदम बढ़िया काम करता है, और मेरे हिसाब से ये बाइक का एक प्लस पॉइंट है। तो
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लस पॉइंट ऑफ डोमिनार जो है डोमिनार का ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट। पर्सनली मुझे ये एग्जॉस्ट नोट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये थोड़ा सा लाउड है और बेसी भी है, तो जब भी आप बाइक चलाते हो तो ऑलमोस्ट लाइक ये आपको प्रोवोक करता है कि आप ज़्यादा रेव करो क्योंकि इसको सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। तो एग्जॉस्ट नोट लाउड और यूनिक होने की वजह से मैं इसको प्लस पॉइंट में ऐड करता हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे ये एग्जॉस्ट नोट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्लस पॉइंट ऑफ डोमिनार जो है डोमिनार का वेट। अब आप बोलोगे कि संकेत अरे डोमिनार का वेट तो बहुत ही ज़्यादा है तो इसको आप प्लस पॉइंट में क्यों डाल रहे हो। मेरे हिसाब से डोमिनार का वेट मैनेजेबल है और इसको प्लस पॉइंट में डालने का मेरी एक वजह है, वो है कि डोमिनार का जो वेट है वो आपका बाइक को स्टर्डी बनाता है और ये स्टर्डीनेस कंट्रोलिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हाईवे पे जब आप हाई स्पीड्स में जा रहे हो तो अगर लाइट वेट बाइक होगी तो एक मन में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, पर अगर हैवी वेट बाइक है तो आपको मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि बाइक इधर उधर नहीं जाएगी, ये रोड पे ही रहेगी। तो ये एक कॉन्फिडेंस रहता है हैवी बाइक्स के साथ। और ये डोमिनार का जो वेट है वो मैनेजेबल है, इतना भी ज़्यादा वेट नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये एक प्लस पॉइंट है, तो इसीलिए मैंने इसको प्रोज में ऐड किया है। डोमिनार चलाने का एक और प्लस पॉइंट ये है कि डोमिनार के ड्यू टू लो सेल्स नंबर्स बाइक रोड्स पे कम दिखती हैं, तो जब आप बाइक चलाते हो तो आपकी बाइक क्राउड में से स्टैंड आउट होती है और एक थोड़ी सी यूनिकनेस वाली फीलिंग से आ जाती है। और बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि बजाज की ऐसी डोमिनार करके एक बाइक भी है, तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि बाइक कौन सी है, तो ये एक थोड़ी सी अलग सी फीलिंग आ जाती है बाइक चलाने में, ये एक प्लस पॉइंट होगा। तो डोमिनार के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है, फॉर एग्जांपल ड्यूल चैनल एबीएस, ट्यूबलेस टायर्स, लिक्विड कूल, ट्रिपल स्पार्क, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, बंजी कॉर्ड स्ट्रैप्स, इम्प्रूव साइड स्टैंड। तो ये सारे फीचर्स मिला के ही ये डोमिनार को एक बढ़िया स्पोर्ट्स क्रूज़र बनाते हैं जिसको आप डेली कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हो और लॉन्ग राइड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से डोमिनार उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनको लॉन्ग राइड्स भी करनी है और डेली कम्यूट के लिए भी बाइक यूज़ करना है। तो ये सारे थे डोमिनार के प्रोज अकॉर्डिंग टू मी। तो अभी स्टार्ट करते हैं डोमिनार के कॉन्स के साथ। तो कॉन्स के लिस्ट में पहला आता है डोमिनार का लेग गार्ड बोल्ट ब्रेकिंग प्रॉब्लम। बहुत सारे डोमिनार 2019 एडिशन के ओनर्स ने ये ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है कि उनका लेग गार्ड का बोल्ट अपने आप टूट जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे साथ ये बोल्ट 4 बार अभी तक टूट चुका है और अभी जो इंस्टॉल्ड बोल्ट है वो 5th वाला बोल्ट है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और मैंने बजाज को एक मेल भी लिख दिया था रिगार्डिंग द लेग गार्ड बोल्ट ब्रेकिंग प्रॉब्लम, और उसके रिप्लाई में उन्होंने मुझे डोमिनार का क्रैश गार्ड और क्रैश गार्ड लेग गार्ड का बोल्ट दोनों चेंज करके दिया फ्री में। और उन्होंने मुझे रीज़न बताया कि ये इंटरनल वाइब्रेशन की वजह से ये बोल्ट टूट रहा था, बिकॉज़ जो क्रैश गार्ड है और लेग गार्ड का बोल्ट है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं थे। तो मेरे हिसाब से अगर बोल्ट में थोड़ा डेंस मटेरियल यूज़ किया रहता तो ये बोल्ट कभी नहीं टूटता, पर ये अभी भी बहुत सारे ओनर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका लेग गार्ड का बोल्ट टूट जाता है। तो ये कॉन्स लिस्ट में सबसे पहला आता है। सेकंड पॉइंट जो है कॉन्स लिस्ट में वो है डोमिनार 2019 का रियर ब्रेक। डोमिनार 2019 का ये एक बड़ा इशू है कि इसका रियर ब्रेक लगता ही नहीं है, मतलब लगता है मतलब सिर्फ बाइक को डिसेलरेट करता है, पर स्टॉपिंग पावर इस रियर ब्रेक में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बाइक स्टॉप करनी है तो आपको दोनों ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं फ्रंट एंड रियर, सिर्फ आपको अगर डिसेलरेट करना है तो आप रियर ब्रेक लगा सकते हो। स्टार्टिंग में मुझे इस ब्रेक के इशू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था एडजस्ट करने में, पर अभी मुझे आदत हो गई है तो मैं अभी प्रॉपरली बाइक को कंट्रोल कर पाता हूँ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑफ बैलेंस वेट डिस्ट्रीब्यूशन। 2019 एडिशन डोमिनार बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस में से गुजरी है, उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, USD फोक्स आए हैं, ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट आया है, पर इस ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट ने एक थोड़ा सा दिक्कत कर दिया कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो अभी आप बाइक को अगर फ्री व्हील चलाना ट्राई करोगे तो बाइक एक साइड को झुक जाती है, और इसको मैं ड्रास्टिक चेंज भी नहीं बोल सकता और एकदम बकवास वेट डिस्ट्रीब्यूशन किया है ऐसा भी नहीं बोल सकता, पर ये मैटर करता है अगर आप लॉन्ग राइड्स में जा रहे हो और
9 to 10 hours का कंटिन्यूस राइड कर रहे हो तो आपको एक थोड़ा सा फटीग आ जाता है एक हाथ में, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली एक हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो बाइक को सीधा करने के लिए। पर ये बहुत ही मिनिमल है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा आखिरी पॉइंट है इस कॉन्स के लिस्ट में, वो है लैक ऑफ ABS स्विच। डोमिनार 2019 में ABS ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। इसका मतलब कि ABS हमेशा ऑन ही रहता है। जैसा कि आपको मालूम है कि ABS ग्रेवल या फिर वेट रोड्स में काम नहीं करता है, तो इसी के वजह से मेरा एक बार स्मॉल एक्सीडेंट हो गया था। बारिश के टाइम पे मैं बाइक चला रहा था और सामने अचानक कोई आ गया, तो मैंने ब्रेक दबा दिया। जैसे ही मैंने ब्रेक दबा दिया, ABS किक इन हुआ और रोड पे पानी था, इसीलिए टायर में कोई ट्रैक्शन नहीं था, तो ब्रेक लगा ही नहीं और मैं जाके टकरा गया। थैंकफुली कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, पर यह बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि बाइक में बहुत ज़्यादा पावर टॉप स्पीड भरी पड़ी है, पर ब्रेकिंग पे इन लोगों ने इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है, तो ये मेरे हिसाब से एक डिसएडवांटेज है। तो ये थी डोमिनार 2019 की कॉन्स की लिस्ट, और अभी मैं आपको मेरे खुद का यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा है बाइक के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डेली कम्यूटिंग के लिए जब मैं बाइक यूज़ करता हूँ तब मैं थोड़ा सा ट्रैफिक वाले एरिया में रहता हूँ, तो बाइक का एवरेज थोड़ा सा कम निकलता है। अभी मुझे बाइक सिटी में 26 to 25 का एवरेज दे देती है अगर मैं थोड़ा कॉन्शियसली बाइक चलाऊँ तो। और हाईवे राइड्स में मैं हमेशा 100 और 110 का स्पीड मेंटेन करके चलाता हूँ, तब मुझे अराउंड 31 to 30 का एवरेज मिल जाता है। अगर हाईवे राइड्स में मैं थोड़ा सा स्लो चलाऊँ लाइक 80 to 90 का स्पीड पे, तब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एवरेज मिल रहा है अभी तक, लाइक 36 एक बार मिल चुका था मुझे, तो ये एक नोटेबल चीज़ है। और मेरी हाइट जो है वो है 5'9" या फिर 178 सेंटीमीटर्स, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरा पैर ज़मीन पे बहुत बढ़िया से टिक जाता है, और ये एक अच्छी क्वालिटी है क्योंकि बाइक का सीट हाइट परफेक्ट है मेरे लिए। और मैं आप सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी हाइट समवेयर अराउंड 5'5" भी होगी तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाइक चलाने में। तो स्पीकिंग अबाउट बाइक का सर्विस, जब भी मैं बजाज में बाइक का सर्विस करने के लिए ले जाता हूँ बाइक, तब मैं हमेशा सुबह जल्दी जाता हूँ और फर्स्ट नंबर लगा के बाइक का सर्विस सामने रख के ही करके लेता हूँ। मैं बाइक को ड्रॉप ऑफ करके बाद में कलेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि जब आप बाइक ड्रॉप ऑफ करते हो तो ये लोग अच्छे से सर्विसिंग नहीं करते, तो मैं हमेशा वहीं पे रुक के सामने बैठ के सर्विस करके लेता हूँ, टू इंश्योर दैट वो लोग सारे पॉइंट्स कवर करें और अच्छे से बाइक सर्विस करें इसके लिए। तो अभी तक मुझे सर्विसिंग में बहुत बड़ा इशू कुछ लगा नहीं है ऐसा। जब भी मैं सर्विस करके बाइक लाता हूँ तो बाइक एकदम न्यू फील होता है, एकदम स्मूथ फील होता है। बाइक सामने रख के सर्विस करने का एक और एडवांटेज ये है कि बाइक के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाती है, टेक्निकल नॉलेज, ज़्यादा डीप में नहीं, पर आपको समझ में आ जाता है कि वायर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, चेन स्प्रॉकेट को कैसे खोला जाता है, या फिर ब्रेक्स का ब्रेक पैड चेकिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो। इवन कुछ लोगों को बाइक का इंजन ऑयल और इंजन कूलेंट कैसे रिफ़िल करते हैं ये मालूम नहीं रहता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, तो ये बारीक बारीक चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए बाइक के बारे में। स्पीकिंग अबाउट बाइक का यूज़र एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाइक के परफॉर्मेंस या फिर मैन्यूरेबिलिटी के लिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिटी में भी आराम से बाइक को चला लेता हूँ और हाईवे पे भी चला लेता हूँ, ट्रैफिक में भी मैं अच्छे तरीके से चला लेता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया बाइक के साथ एडजस्ट करने में, बाइक का वेट या फिर टर्निंग रेडियस ये सब समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पर अभी मैं अच्छे तरीके से बाइक चला पाता हूँ ट्रैफिक में भी और हाईवे पे भी। मेरी बाइक के साथ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई भी बाइक लो, बाइक की प्रॉपर केयर करो, बाइक का टाइम टू टाइम सर्विस करा लो, और फ्यूल और कूलेंट और इंजन ऑयल का मिनिमम लिमिट जो है वो ऑलवेज़ मेंटेन करो, और इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो मिला है उसको फॉलो करो, उसमें जो स्पीड लिमिट्स मेंशन किए हुए हैं रनिंग इन टाइम के लिए उनको मेंटेन करो, और टायर प्रेशर हमेशा चेक कर लो वीकली बेसिस पे। तो अगर आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप प्रॉपरली करोगे तो आपको बाइक प्रॉब्लम नहीं देगी। सो दैट वॉज इट गाइज, दैट वॉज माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट माई बाइक डोमिनार के बारे में, एंड लगभग मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी और क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर डाल देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं रिप्लाई भी देता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला है या फिर अच्छा लगा है सुनने के बाद, तो लाइक ज़रूर कर देना।
और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।